बाहर आते हो तो हम लोग याद आते हैं, इस नाते हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो जातियां वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अब नेता से सवाल करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि हम तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बोल रहे हैं, ना तो सदन में साथ दे रहे हैं, ना सदन से बाहर साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आपकी यह यात्रा यूपी से बिहार जा रही है, तो क्या माना जाए, चर्चा है कि आप जो है बीजेपी के बीच टीम के रूप में काम कर रहे हैं? ये तो बराबर आरोप लगता है। चुनाव के पहले आप लोग भी दिमाग में था कि राजभर किधर, हम बताते थे लेकिन आप लोग मानते नहीं थे। मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। अगली बार स्थापना दिवस में आपने अखिलेश के साथ था, इस बार बिहार में जा रहे हैं, तो आपका अगला साथी कौन होगा? प्रेमचंद प्रजापति, जगन्नाथ कुशवाहा, ये दो लोगों को हमने आमंत्रित अभी तक किया है। बिहार में और टीम रन कर रही है, अब जाएंगे इसी 4 तारीख को मधेपुरा जा रहे हैं, 1 तारीख को हम पटना रुकेंगे, तो कुछ नेताओं से मिलेंगे वहाँ। ललका सड़वा से जनता अब वो परेशान बा, लेकिन योगी जी सवाल ना पूछा था, अब नहीं पूछा था, कहाँ पूछा था, बिल्कुल पूछा था। अब देखिए किसी चीज़ का कोई टाइम होता है, अब ये समय जरूरत भी हमें सावधान यात्रा निकालने का है। इस समय जोगी की आप बड़ाई कर रहे हैं और वहीं अधिकारियों की लताड़ लगा रहे हैं? बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। अगर आप लखनऊ में खड़ा हो जाइए तो मायावती जी का काम दिखेगा, आप लखनऊ से नीचे उतरिए गोमती, अखिलेश जी का काम दिखेगा, चार बाग खड़े होइए कांग्रेस का काम दिखेगा। आज की अगर बात करें, आप चले जाइए आज के तारीख में, तो जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे, आज उस पे अंकुश लगा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अधिकारियों की बुराई कर रहे हैं कि अधिकारी कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो काम धरातल पे होना चाहिए। शासन से निर्देश है कि आप जो भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, उनकी जमीन एक्वायर करो, लेकिन गांव में दुश्मनी, बस कुछ अधिकारी जो बेचारे 50 साल से गरीब कमजोर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा ऊपर से निर्देश नहीं है, तो ये अधिकारी क्यों मनमानी कर रहे हैं, क्यों गरीब को उजाड़ रहे हैं? और ऊपर से निर्देश है, शासन से निर्देश है कि अगर जिसके पास जमीन नहीं है उसको तब तक मत उजाड़ो जब तक कि उसको पट्टा दे करके व्यवस्था न बना दो।